हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। गुड इवनिंग आप सबको। तो मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गई थी, बट बारिश पड़ गई, तो क्या किया जाए। बारिश भी बहुत तेज हो रही है, ये देखो मैंने खा दिया। अभी स्टार्ट हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो आज मेरी वीडियोस कैसे बनेगी, बारिश बहुत तेज हो रही है। मन तो कर रहा है लेकिन बारिश में वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कैसे बनाऊंगी समझ ही नहीं आ रहा। फोन कैसे होगा, बहुत तेज बारिश हो रही है देखो। हो रही है बहुत तेज है जी, बारिश हो रही है। मैं तो गीली हो गई इतनी देर में। अरे मेरे कैमरे पे पानी चला गया, क्या करे। बारिश में वीडियोस बनाऊं नहीं बनाऊं, बारिश तो एकदम झक्कास वाली हो रही है। मेरा कैमरा साफ नहीं है, पानी चला गया। हाय क्या होगा यार, अम्ब्रेला भी नहीं है जो अम्ब्रेला लगा के वीडियोस बना लूं, नहीं तो फोन तो सारा पानी में भी हो जाएगा, फिर साफ क्लियरिटी भी नहीं आएगी वीडियो बनाऊंगी तो। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं कैसे बनाए, बेचारा मेरा स्टैंड। ये भी छत पे रखा हुआ था, मैं इसको लेके आई, मन का बारिश पड़ जाएगी तो भीग जाएगा। ये बारिश 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 बहुत तेज पड़ रही है टू लेवल की बारिश हो रही है, एकदम मस्त वाली। वो मेरी क्लिप्स भी पड़ी हुई है, मैं वीडियोस बनाती हूँ सब ऐवी बिखर जाता है। मेरे एयरिंग्स कहीं होते हैं, क्लिप्स कहीं, वो सबका कोई अता पता नहीं होता। मेरे क्लिप अलग रहते हैं, एयरिंग्स अलग होते हैं, सब ऐसे ही पड़ा रहता है। यार मन कर रहा है बारिश में वीडियोस बनाने का, कैसे बनाऊं बहुत तेज हो रही है, फोन कौन पकड़ेगा मेरा। तो मैंने फोन करा है अपने भाई के पास, उसको बुलाया है मैंने बारिश में वीडियोस बनाने के लिए। तो बारिश बहुत जबरदस्त वाली हो रही है, ये देखो। मेरा कैमरा बारिश बहुत तेज हो रही है, और देखो मैं 2 मिनट में गीली हो गई। हाय मैं अभी अभी रह गई देखो, बुलाया है उसको, आता होगा। आ गया अरे आ जा भैया, कैसे बनाएंगे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे बनाए बिना छाते के तो इसमें पानी घुस जाएगा अरे अरे मौसी, छतरी है क्या, छतरी है, छाता छाता, अरे देना। नहीं है मेरे पास भी नहीं है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी लेने की। मेरा फोन अब कैसे बनेगी इसमें बताइए, बिना उसके 20 तो जाएगा, कैमरे पे पानी तो आ रहा है। चल ऊपर चल रहे हैं, तो चल रहे हैं हम ऊपर। ले पकड़ फोन पकड़, मैं चल रही हूँ। चल जा, ऊपर पड़ोसी होगी छत पे, क्योंकि हमारी छत पे इतनी जगह नहीं है बारिश में, ये देखो तो यहाँ पे अच्छे से बन जाएगी। अरे बारिश जिम्मो भी आ गया, आ जा आ जल्दी आया जिम्मो भी ना आएगा, ना आएगा
खाली है, ये रख फटी हमारा मोटर। अरे पानी चला गया भाई, तो मैं भी हूँ, जिम्मो भी है साथ में, ये रख, और ये दो नमूने भी है। तो फुल एंजॉय बारिश में। इधर की बनाने के लिए मौसम है, मौसम है बड़ा पागल। वीडियो तो ऐसे डलेगी। बारिश में नहा के आ चुकी हूँ और गई हूँ, भाई वगैरह भी आ गए, सब आ गए। और हाँ, ये मुझे अपनी शक्ल ना बड़ी क्यूट सी लग रही है, वैसे कभी कभी लगती है, तो आज बड़ी क्यूट सी लग रही है। आओ, इतनी फोन में नहीं लग रही है जितनी मुझे रियल में लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। दिखाऊँ, मैं अपने आप को शीशे में देख रही हूँ ना, ये देखो। सच में यार मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तो 3:30 हो चुके हैं, क्या करें। वैसे आज मुझे कहीं जाना था, मेरी मतलब किसी ने मुझे बोला था आज घूमने चलेंगे, तो बारिश हो गई तो कैंसिल हो गया। देखते हैं क्या होता है, अब शाम को डिनर बनेगा, क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं। पापा मार्केट गए हैं, मम्मा नीचे है शॉप पे, भाई भी दोनों नीचे ही हैं। हाँ वैसे ही, हाँ तो मौसम तो अभी ऐसा ही है, मतलब बारिश का सही, लेकिन अभी बारिश हो चुके है एकदम बंद, तो सारे पेड़ पौधे हो चुके हैं, ज़्यादा पानी डल गया इनमें। मैं लग रही हूँ ना पढ़ाकू। ये मम्मी का चश्मा है, मेरा नहीं है, मेरा तो पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना उसको, बेकार हो गया, तो मैंने लगाया ही नहीं है, पड़ा रहता है, नया लेके आऊंगी। बट ये मम्मी का चश्मा है, वैसे सूट कर रहा है बताओ जरा कमेंट में, मेरे ऊपर अगर सूट कर रहा है तो मैं यही वाला लेके आती हूँ। अच्छा लग रहा है ना, वैसे इसको लगा के ना मैं एक नंबर की पढ़ाकू लग रही, वैसा लग रहा है जैसे कि मैं स्कूल में ना फर्स्ट नंबर पे आती होगी। ये जाती रे जाती रे। चले नीचे देखते हैं क्या कर रही है मम्मी जी। मम्मी आ चुकी है नीचे से शॉप में से, तो क्या कर रहे हैं। अरे कौन आया है, हैं मैं कौन, मैं कौन, इधर आओ इधर लाइट। हाँ मैं कौन, वो तो मैं हूँ, अच्छा ये कौन है, ये मेरे लगी पैर पे। हाँ बस ये कौन है, ये अच्छा क्या खा रहे भाई, चॉकलेट मुझे नहीं खिलाओगे, ऐ झूठी है, इधर से इधर से थोड़ी सी। पैसे तू भी लाई है, किसने दिलाई, अच्छा किसने ने दिलाई, पैसे से लाई है। अरे मम्मी कुछ बनाना नहीं है क्या, मेरे को भूख लग रही है। है माते क्यों, तेजो को भी अपना लूंगी, शक्ल शेम में तो आ रही है देखो।
तो बुला के तो नहीं गिर पाता, माँ है उसकी और वो सबसे बहुत प्यार है। जैसे तेरे एक बार कहने से वो चला गया, वैसे तेरे एक बार कहने से वो वापस भी आ जाए। क्या बनाना है भाई, भूख लग रही है। साढ़े सात हो गए। क्या कर रही है? डॉक्टर प्रेग्नेंट हूँ मैं। आप प्रेग्नेंट लेडी को इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं? प्रेग्नेंट? अच्छा तुम्हारी मम्मी क्या बना रही है आज? आलू के पराठे। ओ आलू के पराठे, आलू के पराठे बन गए? खा ले। बन गए आलू के पराठे? भूजे किसमें भूजे? कुकर में भूजे नहीं बोलते उसको, उबाले हैं। क्या करा है? हाँ उबाले हैं। अच्छा फिर मुझे खिलाना, खिलाओगे नहीं खिलाओगे? मेरे को पांच पराठे चाहिए। कितने? पांच। हाँ मेरे लिए लेके आएगा? हम ईशु से बात करेंगे। आ जाए ईशु। ईशु, ईशु ये हमारी मामी का बच्चा है, मतलब कि मेरी मामी का बेटा है। कह रहा मामी का बच्चा कहाँ है? तू ही तो है। इधर आ, इधर आ। हाँ आप बताओ। मामी का बच्चा। हाँ कितने पराठे खाता है तू? मैं। कितने? बारह। बारह पराठे अकेले खा जाता है? तभी इसका पेट। हाँ सब आ जाते हैं बारह पराठे इसमें भाई, आ जाते हैं। कर ले नीचे, कर ले। अच्छा इधर बैठो। ये मेरे दोनों मामी के बच्चे हैं, ये और ये। अभी एक और है इससे बड़ी, इससे बड़ी है गुनगुन। ये पाची है, इसको प्यार से पाची बोलती हूँ मैं। और ये है, क्या नाम है आपका? अंश। अंश वैसे क्या बोलते प्यार से? ईशु। हाँ तो ये है ईशु। ये मेरी मामी के बच्चे हैं, और मामी के बच्चे हैं मेरे मामा जी, मतलब एक साल पहले एक्सपायर हो गए। तो अभी ये छोटे छोटे तीन बच्चे ही हैं, और अभी जैसे भी है तो अभी इनकी मम्मा ही रख रही है। तो इसकी वीडियो अगर आप बोलोगे मैं अपनी मामी की, उनसे आपको मिलवाऊंगी कैसे, तो आप मुझे बताना अगर सब जानना चाहते हो तो, मतलब क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और अब कैसे चल रहा है सब, तो मुझे बताना। मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जाने के बाद लाइफ इतनी इजी नहीं होती, और ऊपर से तीन छोटे छोटे बच्चे हैं अभी मेरी मामी के, तो इतनी आसान नहीं है। बट मेरी मामी बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने हिम्मत करी है, तो अभी अच्छे से ध्यान रख रही है। बाकी इसके लिए मैं स्पेशल उनके घर जाके बताऊंगी, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो मैं इसके मतलब मामी से इंटर करवाऊंगी आपका भी। तो अभी फिलहाल ये है हमारे टीकू बाबा, इसका भी मन नहीं लगता, आता रहता है। कर दो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है पापा। है पाची? हाँ क्या पाची? हाँ ये तेरी क्लास तो मैं लूंगी। ये स्टडी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, मतलब पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। और मामी अब मामा जी नहीं है, तो वो अब उनको काम करना पड़ेगा, तो वो काम पे जाती हैं, तो बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो चली गई। तो इसलिए तो जब भी आते हैं मैं जरूर पूछती हूँ सारी चीजें इनको। दीदी और एक और लड़की है गुनगुन, इनसे बड़ी, तीन बच्चे हैं। जा रही है, जाओ जाओ जाओ, कल आना। अरे मेरे लिए पराठे भिजवा देना, ठीक है? पांच
हाँ ठीक है, ओके, तो बाय बाय, गुड नाइट, चलते हैं, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज